हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं लर्निंग एक्सपीरियंस विथ एके ओबेरॉय। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड प्राइस ऑफ बनानास बाय मुल्क राज आनंद लेसन 9। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जी हाँ, अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वीडियो पे 50 के ऊपर लाइक्स होने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज ऑन माई वे फ्रॉम फैजाबाद रेलवे स्टेशन टू लखनऊ। तो यहाँ पे नैरेटर बोल रहे हैं कि वो फैजाबाद रेलवे स्टेशन में थे, उनको लखनऊ जाना था। आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन हाफ एन आवर इन एडवांस ऑफ द टाइम फॉर द ट्रेन्स डिपार्चर। तो यहाँ पे जो नैरेटर है वो कह रहे हैं कि मैं आधे घंटे पहले ही स्टेशन में पहुँच चुका था, क्योंकि मुझको ट्रेन पकड़नी थी। अब ट्रेन पकड़नी थी तो मेरे को जल्दी पहुंचना था, तो इसलिए नैरेटर क्या थे, आधे घंटे पहले ही एडवांस में वहां पे पहुंच चुके थे। आई सैट ऑन अ बेंच वॉचिंग द मंकीज फ्रोलिकिंग ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ओपन प्लेटफॉर्म। तो मैं वहां पे बैठ गया था बेंच पे अपने जाकर, और मैंने देखा कि जो बंदर है वो उछल कूद कर रहे हैं। फ्रोलिकिंग मतलब क्या होता है, फ्रोलिकिंग मतलब कि उछल कूद करना। तो बंदर जो है इधर उधर उछल कूद कर रहे थे पेड़ में, ये ओपन प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म यानी कि खुला हुआ प्लेटफॉर्म था, शायद ऊपर छत नहीं थी उस प्लेटफॉर्म की। तो चलिए आगे बात करते हैं। द मंकीज डिसेंडेड नाउ एंड देन टू कलेक्ट हाफ सेकेंड मैंगो स्टोन्स एंड द रिमाइंडर ऑफ द फूड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो बंदर क्या थे, डिसेंड कर रहे थे, यानी कि ऊपर से नीचे उतरने को बोलते हैं डिसेंड। तो बंदर जो थे वो ऊपर से नीचे उतर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, जो ज़मीन पे पड़े हुए मैंगोस थे, आधे खाए हुए मैंगो की गुठली वगैरह थी, जो लोग खाकर फेंक देते हैं, पूरे नहीं खाते हैं, वो मैंगोस उठाकर खुद खा रहे थे। द यंगर मंकी सैट ऑन द पॉट ऑफ नीम एंड टर्माइन ट्रीज। तो जो यंगर मंकी है वो कहाँ पर बैठे थे, वो लोग टहनियों पर बैठे थे, किसके, नीम के और टर्माइंट के, यानी इमली के पेड़ पे वो लोग बैठे हुए थे। नीम के पेड़ और इमली के पेड़ में वो लोग बैठे हुए थे, रेडी टू जंप आफ्टर एनी फूड दैट मे बी विजिबल। और वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो उस फूड पे मतलब जंप करेंगे, जिससे कि वो फूड को जल्द से जल्द ले पाए, क्योंकि बहुत सारे बंदर थे, मैं लूँगा करके ये सब चल रहा था उनके बीच में, तो कौन पहले लेगा फूड। तो इसलिए ये लोग रेडी बैठे हुए थे, तैयार बैठे हुए थे कि मैं कूदूंगा और मेरे को जैसे कोई फल दिखेगा मैं उसे ले लूंगा। जस्ट देन द ट्रेन वॉज अनाउंस्ड बाय द रिंगिंग ऑफ द स्टेशन बेल। तो स्टेशन में घंटी बज गई है, अब ट्रेन चालू होने वाली है। तो अनाउंस कर दिया गया है कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म से अराइव होने वाली है, निकलने वाली है। आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सिक्योरिंग अ सीट फॉर माई सेल्फ। तो मैं क्या किया कि अपने लिए एक सीट ढूंढने लगा ट्रेन पे। आई गॉट अ विंडो सीट ओवर लुकिंग द प्लेटफॉर्म। मुझे एक विंडो सीट मिल गया जिससे मेरे को प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा था। सम अदर पैसेंजर्स जॉइंड मी इन द कंपार्टमेंट। और मेरे कंपार्टमेंट में और भी बहुत सारे पैसेंजर्स आ गए थे। वी वेयर ऑल स्वेटिंग फ्रॉम द राइजिंग हीट ऑफ द समर। और हम क्या थे कि इतना गर्मी था, देखिए ट्रेन में भीड़ होने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मी तो थी भाई, लेकिन और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा धूप थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से पैसेंजर्स भी आ गए थे, तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। और समर का टाइम था तो पसीना हो रहा था उन्हें, स्वेटिंग यानी पसीना होना। सेवरल पैसेंजर्स वेयर बिजी फिलिंग अप द स्मॉल अर्दन पिक्चर्स फ्रॉम द वाटर पम्प। तो कुछ पैसेंजर्स लोग वो पानी भर रहे थे अपने मटके में वगैरह वगैरह। तो आई वॉज स्ट्रक बाई द जीनियस ऑफ अ मंकी इन स्नैचिंग अवे द लॉयन क्लोथ ऑफ अ पायस पर्सन हु वॉज टेकिंग बाथ अंडर द पम्प। तो देखिए इस लाइन का मतलब होता है कि आई वॉज स्ट्रक बाई अ जीनियस ऑफ अ मंकी। मैं देख रहा था कि एक जो जीनियस मंकी है, बहुत स्मार्ट मंकी है वो, मतलब मंकीज क्या होते हैं ना, बहुत स्मार्ट टाइप्स के होते हैं, वो छीन लेते हैं आपका चीज़, स्नैच कर लेते हैं। आप अगर कहीं घूमने गए हो, सेल्फी ले रहे हो तो फ़ोन खींच के ले गए। तो इसमें वो जो मंकी था वो बहुत ही जीनियस था, क्योंकि जीनियस इसलिए कहा गया कि बहुत चालाक था। ओके, तो वो जो चालाक मंकी था वो क्या किया कि वो जो एक धार्मिक इंसान था, पायस मतलब कि धार्मिक पवित्र इंसान,
होते हैं ना बहुत ही मतलब पंडित वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं पायस. सो पायस पर्सन हु वॉज टेकिंग बाथ अंडर द पंप, तो वो पंप के नीचे जो पानी का पंप है उसके नीचे वो नहा रहा था, और वो क्या किया उसका कपड़ा वगैरह लेकर भाग गया. जो बंदर है वो उतरा कपड़े वगैरह लेकर भाग गया. तो उसके बाद देखिए क्या हुआ. अ ग्रेट ऑफ जनरल अम्यूजमेंट वॉज कॉज्ड बाई दिस इंसिडेंट. तो ये अम्यूजमेंट मतलब बहुत ही मज़ेदार किस्सा बन गया था ये लोगों के लिए, और सब खड़े होकर देख रहे थे. ठीक है, तो ग्रेट डील ऑफ जनरल अम्यूजमेंट वॉज कॉज्ड बाई दिस इंसिडेंट. ये इंसिडेंट देख के सबको मज़ा आ रहा था. द बाथर देन रिक्वेस्टेड द मंकी टू रिटर्न हिज लॉयन क्लोथ्स. और जो नहा रहा था पुरुष उस वो कहता है कि भाई बंदर मेरे कपड़े वापस कर दो, मेरे जो कपड़े हैं मेरे वस्त्र हैं मुझे लौटा दो. तो द मंकी वॉज जेनरस एंड थ्रू इट डाउन फ्रॉम द नीम ट्री एट द मैंस फीट. और जो मंकी था बहुत ही समझदार था, इसलिए वो क्या किया नीम ट्री से नीम के पेड़ से वो फेंका नीचे सीधे वो मैंस के फीट पर पैरों पे ऐसे ऊपर से फेंक दिया. मंकी तो उतना भी समझदार नहीं होता जो आपको हाथ पे लौटा के जाए, तो उसने फेंक दिया. वाइल ऑल दिस वॉज गोइंग ऑन आई नोटिस्ड अ जेंटलमैन कम अप टू आवर कंपार्टमेंट. तो जब ये सब चल रहा था तो मैंने देखा कि एक जेंटलमैन जो था बहुत ही अच्छे वस्त्र पहनने वाला या फिर बहुत ही हाई क्लास से बिलोंग करने वाला या फिर जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो तो इसको जेंटलमैन कहते हैं, वो हमारे कंपार्टमेंट की तरफ आ रहा था. ही लुक लाइक अ बिजनेसमैन, उसे देखकर लग रहा था कि वो एक व्यापारी है, बिजनेसमैन यानी व्यापारी. ही वॉज ड्रेस्ड इन अ वाइट मुस्लिन धोती. तो एक वाइट कलर की उन्होंने एक धोती पहनी थी, मुस्लिन धोती उन्होंने एक वाइट कलर की पहनी थी. तो दोस्तों मुस्लिन धोती का मतलब होता है कि मलमल का कपड़ा, मतलब बहुत ही अच्छा बहुत ही एक्सपेंसिव बहुत ही दामी कपड़ा उन्होंने महंगा कपड़ा पहना था. तो इससे समझ में आ रहा था कि वो बहुत जेंटलमैन है. अ डेलिकेट ट्यूनिक एंड अ एम्ब्रॉयडर्ड कैप ऑन हिज हेड. तो उन्होंने एक डेलिकेट ट्यूनिक यानी कि वो जो जैकेट टाइप का रहता है ना जो बड़े बड़े व्यापारी लोग पहनते हैं, तो उस तरह का उन्होंने पहना था और एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कैप भी पहना था. ओके, उनके सर पर था. तो उसके बाद क्या हुआ कि अ पॉटर वॉज कैरिंग हिज लगेज विच इंक्लूड अ बिग स्टील ट्रंक. एक पॉटर था यानी कि जो लगेज उठाते हैं ना, सामान उठाते हैं जो, उन्हें कहते हैं पॉटर यानी कि कूली वगैरह. आपने तो मूवीज़ में देखा ही होगा कूली नंबर वन पे अमिताभ बच्चन जी की या फिर वरुण धवन की कूली, तो उन्हें कहते हैं पॉटर. ओके, तो वो क्या करते हैं सामान उठाते हैं, भारी सामान वगैरह लगेज वगैरह उठा के लेके जाते हैं. तो उनके पास क्या था, बड़ा सा स्टील ट्रंक था, स्टील का एक बड़ा सा सूटकेस टाइप का रहता है ना लोहे का, जो आर्मी वगैरह वाले लेके जाते हैं घूमते हैं पहले के ज़माने में लेके जाया करते थे. सेवरल स्मॉल बास्केट एंड अ ब्रास जग. बहुत कुछ कुछ स्मॉल बास्केट थे, ठीक है, बास्केट यानी झूड़ी टाइप का रहता है, और ब्रास जग यानी कि स्टील का जो जग है वो उनके पास था. द मैन वॉज शाउटिंग एट द पॉटर टू हरी अप विद द लगेज. और वो जो मैन था वो आदमी था वो पॉटर के ऊपर चिल्ला रहा था जोर जोर से कि अरे भाई जल्दी करो मेरे को ट्रेन पकड़नी है जल्दी करो. सडनली अ मंकी लेप्ट डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंपार्टमेंट एंड स्नैच्ड अवे द फाइन एम्ब्रॉयडर्ड कैप ऑफ द बिजनेसमैन. और क्या हुआ कि जब वो एक बिजनेसमैन चिल्ला रहा था तब क्या हुआ, एक मंकी पेड़ से उतरा आया और उसके जो सर पे जो टोपी थी वो लेके चला गया. और वो जब तक चिल्ला रहा था तो क्या हुआ, बंदर आया टोपी लेके माथे से चला गया. द मंकी देन क्लाइम्ड अप द नीम ट्री. मंकी तो पेड़ पे चढ़ गया नीम ट्री पे. व्हाट हैव यू डन मंकी. यहाँ पर वो बिजनेसमैन चिल्लाने लगा, शाउट किया, जोर से चिल्लाया किसके ऊपर, बंदर के ऊपर. अरे ये क्या कर दिया मंकी तुमने. व्हाट हैव यू डन मंकी. मंकी के ऊपर कौन चिल्लाया, बिजनेसमैन चिल्लाया इन अटर्ड कन्फ्यूजन. वो कन्फ्यूजन मतलब ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते. हिज राउंड एंड स्मग फेस. स्मग फेस यानी कि प्राउडी फेस जो था, उसके फेस में घमंड था, तो वो नज़र आ रहा था स्वयं. वॉज कवर्ड विथ परस्पिरेशन. वो परस्पिरेशन से ढक गया, मतलब उसका जो जो चेहरा था प्राउड चेहरा वो अब झुक गया था किस पे, परस्पिरेशन. परस्पिरेशन यानी कि मतलब परेशानी में चल गया. परेशानी का मतलब होता है परस्पिरेशन. ही रैन टुवर्ड्स अ ट्री ओवर द पंप एंड स्टूड थ्रेटनिंग द मंकी. वो दौड़ के गया पंप के किनारे पे और वो मंकी पे थ्रेट देने लगा, मंकी को बोलने लगा अरे जल्दी वापस कर दो मेरा टोपी. हाउएवर
द मोर ही शाउटेड एट द मंकी द रिमोटर द मंकी बिकेम. जितना वो चिल्लाने लगा मंकी उसी का कॉपी करने लगा. इट वॉज सेम मंकी दैट हैड स्नैच द बाथर लायन. तो बाथर्स का जो लायन क्लोथ था, जो वस्त्र थे बाथर के जो नहा रहा था पंप के नीचे, तो उसका जो कपड़ा चुराया था वो वही मंकी था. अब ये टोपी भी चुरा लिया और वो जितना गुस्सा हो रहा था तो वो उतना ही उसे चिढ़ा रहा था. द पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म वेयर मच अम्यूज्ड बाय द फ्लाइट ऑफ द बिजनेसमैन. और पीपल तो और मतलब देख रहा, अरे ये क्या कर रहा है ये इंसान, बंदर से ऐसे करके बात करे वो तो और नहीं लौटाएगा. उसे अच्छे से कहता तो शायद दे सकता था. ही लुक्ड विद अ पीटियस एंड होपलेस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. तो उसका जो शक्ल था वो पीटियस था, यानी कि दयनीय था. मतलब जो बंदर था उसको दया नहीं आ रही थी इसके ऊपर, वो बिजनेसमैन के ऊपर. और होपलेस यानी कि उसको आशा की किरण कोई नज़र ही नहीं आ रही थी. अब कैसे उसका वो टोपी जो वो वापस ले पाए. मीन वाइल अ फ्रूट हॉकर हैड कम फॉरवर्ड पुशिंग हिज लिटिल कार्ट. तो वो अपना एक फ्रूट हॉकर था, वहाँ से आ रहा था जो फल बेचने वाला, वो अपना ठेला लेकर सामने की तरफ आया. छोटा सा ठेला था, वो अपना सामने लेकर आया. ही टोल्ड दैट सेठ जी दैट ही वुड रेस्क्यू द कैप. वो बोलता है सेठ जी मैं अभी आपका कैप उतार कर देता हूँ, रुकिए मैं इससे अभी छीन कर दूंगा आपका कैप. देखते हैं कैसे ये नहीं लौटाता है. द बिजनेसमैन सीम्ड स्लाइटली रिलीव्ड. द वेंडर वेंट अहेड डैंगलिंग अ कपल ऑफ बनानास एट द मंकीज विथ हिज राइट हैंड. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज लेफ्ट हैंड फॉर द कैप. द मंकी सीम्ड टू हेजिटेट. आओ आओ कम डाउन. द वेंडर कोक्स्ड द मंकी. ही लिफ्टेड द बनानास हायर अप. द मंकी रिस्पॉन्डेड बाई क्लाइंबिंग डाउन कॉशियसली टू द ब्रांच नियर द वेंडर. तो क्या हुआ कि वो जो वेंडर वाला था जो फल बेच रहा था वो आया. वो अब क्या किया, बनाना निकाला, जो केला निकाला, केला मंकी की तरफ अपने राइट हैंड से बढ़ाया. आओ 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 नीचे आओ, कम डाउन कर रहा था. मंकी सीम्स हेजिटेट, मंकी हेजिटेट कर रहा था, लेकिन फिर मंकी रिस्पॉन्डेड बाई क्लाइंबिंग डाउन. और मंकी नीचे उतर गया वेंडर के पास. वेंडर यानी कि जो हॉकर्स वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं. द होल प्लेटफॉर्म बिकेम साइलेंट एंड वेटेड. पूरा जो प्लेटफॉर्म था पूरा साइलेंट था, पूरा मतलब एक भी आवाज़ नहीं आ रहा था. विद बेटेड ब्रेथ, सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आ रही थी. फॉर द इम्पॉसिबल टू हैपन, ये इम्पॉसिबल चीज़ होने वाला था इसलिए सब कोई देख रहे थे. द वेंडर कूड इन अ सॉफ्ट वॉइस. वेंडर वाला बोला, जो बनाना फल वाला बोला कि आओ आओ टू द मंकी, आओ आओ. द मंकी लुक्ड दिस साइड दैट एक्सेप्ट द बार्गेन. इट टुक ओवर द बनानास विथ हिज राइट हैंड एंड रिलीज द एम्ब्रॉयडर्ड कैप स्लाइटली क्रम्पल्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड. और वो क्या किया, मंकी समझ गया कि ओ ये मेरे को बनाना दे रहा है, यानी कि मेरे को इसको इसका कैप वापस करना चाहिए. तो एम्ब्रॉयडर्ड कैप जो था वो कैप उसने वापस किया एक हाथ से, और एक हाथ से क्या किया उसने जो बनाना था वो ले लिया. द स्पेक्टेटर्स शाउटेड इन प्रेज. द फ्रूट वेंडर केम एंड हमली ऑफर्ड द कैप टू सेठ जी. मतलब क्या हुआ कि स्पेक्टेटर्स लोग जो देख रहे थे, ऑडियंस को बोलते स्पेक्टेटर, जो देख रहे थे इस पूरे अम्यूजमेंट को, ये एक्साइटिंग जो चीज़ हो रहा था, मज़ेदार चीज़. बंदर कैप लेके गया, फिर वो जो फल वाला था वो आया, वो बनाना दिया, और बंदर ने एक हाथ से उसको उसका कैप लौटा दिया. दे आर हंग्री ही सेड. वो लोग भूखे थे. किसने कहा, वो फल वाले ने कहा. सो दे डिस्टर्ब द पैसेंजर्स. इसलिए उन्होंने पैसेंजर्स को डिस्टर्ब किया. अच्छा सेठ द सेठ जी. सेठ जी बोले अच्छा ये बात है, ठीक है ठीक है. एंड टर्न टू गो इन टू द कंपार्टमेंट. सेठ जी बोले अच्छा ठीक है, बोलकर घूम गए और अपने कंपार्टमेंट की तरफ चले गए. द वेंडर सेठ सेठ जी प्लीज गिव मी टू अनास फॉर द बनानास विच आई हैड टू ऑफर टू द मंकी. वो बोलते हैं सेठ जी मुझे दो अन्ना दे दीजिए, क्योंकि मैंने अपना जो केला था वो उस मंकी को दे दिया था, तो उसके पैसे तो कम से कम आप दीजिए मेरे को. टू अन्नास, व्हाट इम्पुडेंस. सो यहाँ पे बोलते दो अन्ना, व्हाट इम्पुडेंस, मतलब क्या बदतमीजी है ये. दो अन्ना, किस बात के दो अन्ना. तो अन्ना मतलब क्या होता है, वो जो प्राइस जो होता है ना, वहाँ पे प्राइस को, पैसे को बोला गया अन्ना.
वट इम्प्यूडेंस, यानी कि ये क्या बदतमीजी है। सेठ जी शाउटेड, ईच वर्ड इज डिस्कस्ड एट क्रीमी फ्रूट वेंडर, और बहुत ही गंदे तरीके से बेइज्जत कर दिया यहाँ पर फ्रूट वेंडर को। प्लीज गिव हिम द मनी सेठ जी, द रेस्ट ऑफ द कंपार्टमेंट, बाकी और जो पैसेंजर्स थे कंपार्टमेंट में वो बोलने लगे सेठ जी ये फल वाले को इसका पैसा दे दीजिए क्योंकि इसने आपकी मदद की है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेठ जी थे वो पैसे नहीं लौटा रहे थे, मतलब जो दो अन्ना का वो जो केला था उसका प्राइस था दो अन्ना, वो दो अन्ना का केला जो था वो मंकी ले गया, मंकी ने क्या किया केला ले गया और कैप लौटा दिया, और वेंडर वाले ने पैसा मांगा उस केले का तो वो पैसे देने से इनकार कर दिए, क्यों दूं भाई तुम्हें पैसा, मैंने थोड़ी ना तुमसे कहा था कि ये करो। तो बाकी जो वहाँ पे बैठे हुए थे वो कंपार्टमेंट में वो लोग बोलने लगे भाई पैसा तो दे दो, इसने मेहनत किया है ना, आपकी मदद की है। सेड अच्छा हेयर फोर अन्नस फॉर यू पॉटर, तो यहाँ पे अब सेठ जी बोलते अच्छा अच्छा ठीक है मैं पैसे देता हूँ। तो वो जो पॉटर था जो कुली था उसको वो कितने रुपए देते हैं, चार अन्ना देते हैं, और जो फ्रूट वाले को एक अन्ना देते हैं। तो वो जो पॉटर था वो चिल्लाने लगता है सिर्फ फोर अन्ना, मैंने इतना भारी लगेज उठाया और आप मुझे सिर्फ चार अन्ना दे रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, गो गो क्रूक सेठ जी थंडर्ड, सेठ जी बोले जाओ जाओ यहाँ से, जाओ तो निकलो तो यहाँ से, जाओ यहाँ से, पॉटर को भगा दिया, कुली वाले को बोला जाओ जो देना था दे दिया तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि जो पॉटर था जो कुली था वो तो चला गया, द फ्रूट वेंडर प्रसिस्टेड सेठ जी बी जस्ट सेव योर ऑनरेबल कैप। अब वो क्या बोलता है सेठ जी देखिए आपका मैंने ये कैप बचाया है तो आप एक अन्ना दे रहे, मुझे दो अन्ना देना चाहिए ना। द बिजनेस मैन थ्रू एन अन्ना टूवर्ड्स हिम, और उसने फिर एक अन्ना उसके मुंह पे फेंक दिया, यानी कि गुस्से में ऐसे पैसे फेंक दिए उसके ऊपर, लो ऐसे हम लोग होता है ना भिखारी, जाओ भिखारी जाओ ये लो पैसा, तो उस तरीके से जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा किया। द गार्ड्स व्हिसल ब्लू, द ट्रेन वॉज अबाउट टू डिपार्ट, द वेंडर लुक एट थ्रू द कंपार्टमेंट ऑफ द विंडो, सीटी बज गया था ट्रेन निकलने वाली थी और वो जो वेंडर था वो देख रहा था कंपार्टमेंट के विंडो से कि सेठ जी डू नॉट रॉब द पुअर, गरीब का पैसा मत मारो सेठ जी, जा जा टेक रेस्ट। सेठ जी बोलते हैं जाओ जाओ रेस्ट लो जाकर। द सेठ जी स्क्लॉड एट हिम, सेठ जी मतलब उसको झाड़ दिया ऐसे जोर से चिल्ला दिया जाओ निकलो यहाँ से। द ट्रेन हैड बिगन टू मूव, ट्रेन चालू हो चुकी थी, द फ्रूट वेंडर फर्स्ट रैन अलॉन्ग विथ इट, फ्रूट वेंडर पीछे पीछे भागने लगा, देन गॉट ऑन टू द फुट स्टेप एंड क्लंग टू द विंडो, और फिर वो आते आते वो खिड़की की तरफ आ गया प्लीडिंग, बट सेठ जी हैड टर्न्ड हिज हेड, वो खिड़की की तरफ आकर पैसे मांगने लगा लेकिन सेठ जी ने मुंह घुमा दिया। प्लीडिंग का मतलब होता है सरफरोशी, ओके, बट सेठ जी हैड टर्न हिज हेड, सेठ जी ने मुंह घुमा लिया, अवे ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द गुड ट्रेन ऑन द अदर साइड, और वो फिर दूसरे तरफ में और एक ट्रेन था उसको देखने लगे सेठ जी ने। द ट्रेन हैड पास द होल लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड फ्रस्ट्रेटेड द वेंडर फाइनली ड्रॉप्ड आउट, और क्या हुआ कि वो जो दौड़ते हैं ना ट्रेन के पीछे 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 सेठ जी दे दीजिए पैसा दे दीजिए, फिर दौड़ते दौड़ते फिर वो फुट स्टेप्स के वहाँ पे आ जाता है, फिर मांगता है पैसा, फिर भी सेठ जी नहीं देता है, फिर लास्ट में वो हार मान के ट्रेन से उतर जाता है। सेठ जी टर्न राउंड टू ऑल ऑफ अस एंड बिगैन टू जस्टिफाई हिमसेल्फ, और सेठ जी फिर सबके तरफ घूम कर बोले अरे यार इफ ही डिड नॉट वॉन्ट टू हेल्प मी टू गेट माई कैब बैक ही शुड नॉट हैव ऑफर्ड द मंकीज टू द बनाना, आई डिडंट आस्क्ड हिम टू हेल्प। मैंने तो यहाँ पर क्या है कि अच्छे सुनिएगा, जो सेठ जी है ना वो अब अपना इमेज बचाने के लिए अपनी इज्जत बचाने के लिए कंपार्टमेंट में वो अब बातें बनाने लगा था, वो ये बोल रहे थे कि सेठ जी जो थे वो बोल रहे थे कि इफ़ ही डिड नॉट वॉन्ट टू हेल्प मी, अगर वो मेरी मदद करना चाहता था तो बोल देता मेरे को, और अगर उसको पैसे लेने थे तो बता देना चाहिए था मेरे को, मैंने तो उसको मदद करने के लिए नहीं बोला तो वो खुद आया मेरी मदद किया, मैंने तो थोड़ी ना बोला कि आओ भाई मेरी मदद करो मैं तुमको पैसे दूंगा, वो खुद आया खुद मेरी मदद किया अब पैसे मांगने लगा, किस बात के पैसे दूँ, मैंने थोड़ी ना कहा था उसको। आई फेल दैट ऑल द अदर पैसेंजर्स हैड
सिंपैथी फॉर द पुअर वेंडर, सबके मन में उस गरीब जो फल वाला था उसके लिए सबके मन में दुख था। द होल अम्यूजिंग एपिसोड हैड एंडेड इन द बीटर सेंस, और ये जो पूरा एपिसोड था बहुत ही बीटर सेंस, बहुत ही दुख तरीके से, दुखी तरीके से ख़त्म हुआ था। ग्रीवांस अगेंस्ट द रिच बिजनेस मैन, तो सब क्या कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे। ग्रीवांस माने कि शिकायत करना, अगेंस्ट द रिच बिजनेस मैन हु हैड बीन सो हार्ड टू द जेनरस हार्टेड फ्रूट वेंडर, वो इतना खड़ूस जो बिजनेस मैन है, वो ये जो बेचारा गरीब जेनरस अच्छा इंसान था जिसका दिल बहुत अच्छा था इसलिए मदद किया फ्रूट वेंडर के साथ, बहुत ही गलत सलूक हुआ था। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सेठ जी है इन्होंने अच्छा किया फ्रूट वाले के साथ, फल वाले के साथ, या बहुत ही गलत किया। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ अगर आप होते तो इस जगह पे। आई ड्रू अ कार्टून ऑफ सेठ जी एंड शोड माई ड्रॉइंग्स टू ऑल द अदर पैसेंजर्स एक्सेप्ट हिम, तो मैंने बैठकर जो नैरेटर थे वो बोले कि मैं बैठकर फिर सेठ जी को, मतलब सेठ जी का एक स्केच बनाया, ड्राइंग बनाया और सारे पैसेंजर्स को दिखाया सेठ जी के सिवाय। एवरी वन लाफ्ड, द मोर वी लाफ्ड सेठ जी बिकेम मोर अनकम्फर्टेबल, और सब उस पिक्चर को देख के, मतलब वो ड्राइंग को देख के जो मैंने बनाया था वो देखकर सब हंसने लगे, जितने पैसेंजर्स जो बैठे थे सब हंसने लगे, और मैंने उसको सेठ जी को नहीं दिखाया था, सेठ जी को अनकम्फर्टेबल लग रहा था, अरे क्यों हंस रहे सब मेरे तरफ ऐसे देख के। तो इसी में स्टोरी ख़त्म हो गया और चैप्टर एंड हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, और कमेंट में बताइएगा कि चैप्टर आपको कैसी लगी है। और जी हाँ, इस वीडियो पे 50 के ऊपर लाइक्स होंगी तभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइजेस आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर।